हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जहाँ हमारे पास यह एक क्वेश्चन दिया गया है। अ सोर्स प्रोड्यूसेस वन ऑफ फोर पॉसिबल सिंबल्स ड्यूरिंग ईच इंटरवल हैविंग प्रोबेबिलिटीज। हर एक इंटरवल की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज दी गई है, टोटल हमारे पास फोर प्रोबेबिलिटीज हैं। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स वन हमारा दिया गया है हाफ, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स टू है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स थ्री और एक्स फोर यहाँ इक्वल है, जो हमारा 1/8 है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ ईच ऑफ दीज सिंबल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, कंटेंट ऑफ मैसेज को कहते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इंफॉर्मेशन कंटेंट आई एक्स आई ऑफ अ सिम्बॉल एक्स आई, जहाँ हमारा एक्स आई जो सिंबल है उसकी इन्फॉर्मेशन आई एक्स आई को हमने लिया है। तो आई एक्स आई क्या होती है, लॉग बेस टू 1/ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन यहाँ देख रहे हैं, क्या है हमारे पास हाफ है दिया हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं आई ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स वन इक्वल टू लॉग बेस टू 1/1/2, जहाँ 1/2 हमारा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन था। तो लॉग बेस 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 चले जाएंगे, तो लॉग बेस 2 क्या होती है, 1। और इसकी मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 1 बिट्स। इसी तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू का देखेंगे, तो इन्फॉर्मेशन एक्स टू हमारी क्या हो जाएगी, लॉग बेस 2 1/1/4, तो हमारा 2 बिट्स का यह आ जाएगा। और सिमिलरली इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स थ्री क्या हो जाएगी, लॉग बेस 2 1/1/8, तो 2^3 क्या होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 बिट्स निकल जाएगा। हमारा इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स फोर क्या होगा, सेम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स थ्री और एक्स फोर इक्वल है, तो लॉग बेस 2 1/1/8, तो ये हमारा 3 बिट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग कंटेंट ऑफ मैसेज निकालते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन का।